नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टार टेक 786 में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल पर बहुत ही ज़्यादा ऐड आ रहे हैं तो उस ऐड को आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। तो मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाता हूँ। दोस्तों मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए हैं। तो दोस्तों मैं ऐप्स और नोटिफिकेशन पर चला जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं ऐप्स पर क्लिक कर दूंगा। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे सारे एप्लीकेशन यहीं पर इंस्टॉल हुए हैं। तो दोस्तों आपको भी अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल पर जाकर चेक कर लीजिएगा आपके किस ब्राउज़र से ज़्यादा ऐड आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं चेक किया था तो मेरा क्रोम ब्राउज़र से ज़्यादा ऐड आ रहा है। तो दोस्तों मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक कर दूंगा। आपके जिस ब्राउज़र से ऐड आ रहा होगा उस ब्राउज़र पर चले जाइएगा दोस्तों। तो मैं क्रोम ब्राउज़र पर चला जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं स्टोरेज का ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको मैनेज स्पेस पर चले जाना है। तो मैं मैनेज स्पेस में चला जाता हूँ दोस्तों। मैनेज स्पेस में जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद से ओके कर देना है दोस्तों। तो मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके जिस जिस ब्राउज़र से ऐड आ रहे होंगे उस ब्राउज़र में जाकर आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो इसी तरह करके आप अपना ऐड बंद कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें।